देश में पानी की किल्लत से निपटने के लिए भारत सरकार बहुस्तरीय प्रयास कर रही है। सरकार की इन कोशिशों को ताकत प्रदान कर रहे हैं देश के सैकड़ों वाटर हीरोज, जिन्होंने जल के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण के लिए नवीन तौर तरीके और तकनीक ईजाद की है। ये लोग लाखों करोड़ लीटर पानी बचाकर हमारी दुनिया को बदल रहे हैं। पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी पानी से होने वाली बीमारियों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में पानी से होने वाली बीमारियों के लगभग 3.8 करोड़ मामले हैं, जिसका खमियाजा 7.4 करोड़ कार्य दिवस खोकर होता है। भूजल का उपयोग करीब 40-50 करोड़ लोगों के द्वारा पीने योग्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है। आप समस्या की भयावहता को समझ सकते हैं। जब मेरे बच्चे को दस्त लग जाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत कठिन होता है। बच्चा बहुत रोता है, हमें उसके साथ अधिक समय बिताना पड़ता है और उन दिनों के लिए हमारी कमाई भी एक ठहराव पर आ जाती है। इसीलिए हम तरल टैंक रिएक्टर के साथ आए हैं। यहाँ पर आपको ऊपर के 7 बोर्ड खोलने हैं और ऐसा करने में आपको 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। आपको इसको एक बार फिर से जोड़ना है और राइजर पाइप में इसे खिसका देना है। इसके बाद हम पानी चलाते हैं और इसके लिए किसी बिजली या उससे संबंधित किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। इसे 60 साल की महिलाएं तक भी संभाल सकती हैं और जो बुलबुले बनते हैं वो बहने वाले तरल पदार्थ के मार्ग पर सभी बिंदुओं पर गिरते हैं और शॉक वेव्स भेजते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेसरेट करता है, जो आमतौर पर डायरिया, हैजा या टाइफाइड जैसे पानी के रोगों का कारण बनता है। अभी ये सिस्टम लगने के बाद पानी साफ हो गया है और खराब पानी से होने वाली बीमारियां कम हो गई हैं। ये टेक्नोलॉजी सभी तरह के सामाजिक स्तर पर उपलब्ध है। हमने पहले ही लगभग 10 लाख यूजर्स को सीधे सुरक्षित पेयजल प्रदान किया है और ये सिर्फ कुछ हजार की संख्या में बेचने से संभव हुआ है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के 1.3 करोड़ हैंड पंपों को तो वाकई में वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा।